Alright, so hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Sahil Verma, back again with a new video. So दोस्तों, आज की वीडियो है जो कि हमारी बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि आज हम डॉक्टर विवेक मिंद्रा की वीडियो देखने वाले हैं. जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर विवेक मिंद्रा जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है और बिजनेस कोच है. तो दोस्तों, आज उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है, इन 10 अरबपतियों के सुझाव आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, कोरोना वायरस डॉक्टर विवेक मिंद्रा. सो दोस्तों, ये हमारी वीडियो है और देखते हैं हम इससे क्या सीखते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड. नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com. लॉकडाउन ने सबको बहुत परेशान कर रखा है, मुझको, आपको, हर व्यक्ति को परेशान किया है, पर हर एक डिफिकल्टी में अपॉर्चुनिटी छुपी होती है. आज हमारे कई प्रोफेसर आपके साथ मिलके कुछ 10 सेकंड 20 सेकंड का छोटा एक एक लाइन का मैसेज देंगे. उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, लॉकडाउन का समय बड़ा कीमती है. फिर से बोल रहा हूँ, कीमती समय है. ऐसा ना हो कि समय आपके हाथ से निकल जाए, बाद में आप पछताएं कि पूरा लॉकडाउन मैंने वेस्ट कर दिया. ये वो समय है जब आपको अपने वर्किंग आवर्स को अलग कर लेना चाहिए अपने घर के आवर्स से, क्योंकि घर पे रहते हैं तो आप अपने वर्क आवर्स को डिलीजेंटली कभी कभी फॉलो नहीं कर पाते. बिस्तरे पे लेट के आराम से सोफे पे फैल के काम ना करें, अपने इनोवेशन की तैयारी करें, नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें कि आने वाले समय में आपको किन किन मार्केट्स के अंदर कौन से नए प्रोडक्ट्स को बिल्ड करना है, क्या नई तैयारी आप कर सकते हैं. इसके ऊपर मैं एक बहुत बड़ा डिजिटल लाइव बिजनेस इवेंट भी करने वाला हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस इवेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको. अपने वर्क टाइम और अपने पर्सनल टाइम को सेपरेट करके रखिए, अपने घर में ऑफिस का स्पेस बनाइए, तब काम करिए, तभी आप काम कर पाएंगे. मैंने भी अपने यहाँ एक ऑफिस का स्पेस बनाया है, अपने घर में एक छोटा स्टूडियो तैयार किया, एक छोटा कॉन्फ्रेंस रूम तैयार किया है जहाँ बैठ करके मैं काम कर सकता हूँ. अगर आपके पास समय जगह की कमी है तो कहीं एक कमरे के अंदर एक टेबल और एक चेयर लगा करके उसको अलग डिवाइड कर लीजिए, प्रॉपर कपड़े पहन के बैठिए ताकि आपको लगे कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल काम की तरह बैठ रहे हैं. अपने ब्रेक्स को भी प्लान करके ब्रेक्स लीजिए, ऐसा नहीं कि आपने जब मन किया तब बैठ गए, जब मन किया बैठे, नहीं. अपने ऑफिस के साथ, मैन पावर के साथ कनेक्टेड रहिए, टेलीफोन पे नहीं, ईमेल पे नहीं, वीडियो कॉल्स के थ्रू कनेक्टेड रहिए, उससे पर्सनल रिलेशनशिप बनता है, बाउंड्री आपकी, बॉन्डिंग, क्षमा चाहता हूँ, बिल्ड होती है. बाउंड्री के लिए मैं कहना चाहता हूँ, क्रिएट बाउंड्रीज विद योर पेट एंड किड्स. आपके जो घर में अगर कुछ पालतू पशु हैं, आपके यहाँ बच्चे हैं, परिवार हैं, धर्म पत्नी हैं, उनके साथ आप एक समय की सीमा तय करें कि अगर मैं इतने घंटे काम करूँगा तो मैं फोकस काम करना चाहता हूँ. उसके बाद सबको प्रेम दें, सबके साथ समय बिताएं, क्योंकि वो समय भी नॉर्मली आपको नहीं मिलता है. मेरा मानना ऐसा है कि लॉकडाउन का समय बहुत कीमती है. इसी को समझाने के लिए बड़ा बिजनेस के हमारे बाकी प्रोफेसर भी आपके साथ कुछ लाइनें, अपने कुछ विजडम को शेयर करना चाहेंगे. अगर कोई ऐसा लीडर जिसने ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल करी है तो उसकी एक लाइन भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी को बदल दे. हो सकता है आने वाली कोई भी एक लाइन आपके दिल को ऐसी छू जाए जिससे आप एक बड़ा डिसीजन लें. ज़िंदगी में परिवर्तन डिस्कशन से नहीं, डिसीजन से आता है. ललित अग्रवाल, आपका बड़ा बिजनेस का प्रोफेसर. ऑलराइट, सो गाइस, ये थी, इन्होंने बता दिया कि कैसा करना है, हमने कैसा नहीं करना, और उसके बाद हम जो कि ये बाकी लोगों से बात करा रहे हैं तो हम उनकी बातें देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं. तो गौर से सुनिएगा आगे बातें. हमें अपने आप को तैयार करना है, जब 3 से 6 महीना बाद जब ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तब हमारा बिजनेस तेजी से कैसे भागे, तब हम ये जितना भी हमें नुकसान हो रहा है उसको मेकअप कैसे करें. मैं तपन सिंघेल, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बजालिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी. जिंदगी में तकलीफ तो आती रहती है, मतलब इसके लिए आई डोंट थिंक कोई ये बोल सकता है यहाँ पर इंसान की मैंने कभी तकलीफ देखी ही नहीं, तकलीफ आती रही है. लेकिन जो आदमी सक्सेसफुल है वो व्यक्ति है जो तकलीफ में एक अपॉर्चुनिटी देखे. जब क्राइसिस आती है तो जो बिजनेसमैन उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाता है वही बड़ा बिजनेसमैन बनता है. मेरा नाम है मुरली कृष्णन, मैं शॉमी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ. पिछले कई दिनों से हम सब लोग जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैं शॉमी को कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपका वर्क फ्रॉम होम, रिमोट वर्किंग टाइम जो अभी चल रहा है वो और प्रोडक्टिव बने. पहली चीज़ जो है वो है फोकस. ये जो क्लीन स्लेट टाइम मिल रहा है, जो प्लेन कैनवस टाइम मिल रहा है हमें जो राइट नाउ, आप लोग इस टाइम को थिंकिंग एंड प्लानिंग में प्लीज इन्वेस्ट करें. राइट नाउ यू हैव द टाइम टू प्रोवाइड अनडिवाइडेड अटेंशन टू थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. थिंक ऑफ योर लार्ज चैलेंजेस, थिंक ऑफ योर लार्ज प्रोजेक्ट्स, थिंक ऑफ द बिग बिजनेस डील्स दैट यू नीड टू क्रैक फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर टू मेक योर ईयर सक्सेसफुल. मैं रामचंद्र अग्रवाल, V2 रिटेल लिमिटेड का CMD. आप दो बातों की अभी चिंता कर रहे होंगे, एक तो कि कोरोना से हमारे और हमारे परिवार के स्वास्थ्य का क्या होगा, और दूसरा कि हमारी आर्थिक स्थिति कहाँ तक पहुँचेगी, हमारा इकोनॉमिक क्या इम्प्लिकेशन होगा आगे.
आप अपने आप को अमिताभ बच्चन समझिए और ये गुलशन ग्रोवर और अमरीश पुरी जो ये दोनों चिंताएं हैं इनके ऊपर हमको अमिताभ बच्चन बन के विजय प्राप्त करना है। मैं रमेश अग्रवाल, चेयरमैन अग्रवाल पैकर्स एंड मोर्स लिमिटेड। बड़ा बिजनेस का प्लेटफार्म आज इस राष्ट्रीय आपदा के समय करोड़ों लोगों को हिम्मत की ठांडस बंधा रहा है, मैं इसका आभारी हूँ। मेरा मानना है हर एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी छिपी रहती है। हमारा इतिहास भी बताता है राम वन गए तो बन गए, अयोध्या में राज करते तो राजा राम कहलाते। मेरा मानना है जल्दी ही सिचुएशन ठीक होगी और भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनकर उभरेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार, सुपर 30 संस्थापक। जो वैल्यू है ना समाज में वो मेहनत का है, परिश्रम का है, धैर्य का है, लेकिन सबसे बड़ा वैल्यू किस चीज का है? आइडिया का। यही तो विवेक बिंद्रा जी आपको सिखाते हैं, आइडिया देते हैं, अपने दिमाग से क्रिएट करके आपको कई चीजें बताते हैं। तो अभी बहुत अच्छा मौका है आपको क्रिएशन करने का, सोचिए, प्लान करने का। नमस्कार, मैं बड़ा बिजनेस प्रोफेसर ऑनरी ब्रिगेडियर डॉक्टर अरविंद लाल। मेरी सलाह जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे सिर्फ ये होगी कि ये टाइम है, इसको आप वेस्ट ना करिएगा। इसमें बिजनेस एक डेवलप करने के लिए तीन चीजों की बहुत जरूरत है। एक होती है रिसर्च, और दूसरी होती है उसके बाद प्लानिंग, और तीसरी उसके बाद होती है ऑपरेशनलाइजिंग। तो ऑपरेशनलाइजिंग तो आपको बाहर निकलना पड़ता है, वो पॉसिबल नहीं है, पर रिसर्च और प्लानिंग आप कर सकते हैं। मैं सुभाष गंगाराम तलेकर, प्रेसिडेंट मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन। हमें आशा है हम घर में रहेंगे तो लड़ाई जीतेंगे, और ये कोरोना का जो संकट भारत में आया है इस कोरोना को भी अपन परास्त करेंगे। मैं बड़ा बिजनेस प्रोफेसर पवन गुप्ता। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें बिजनेस की आपसे शेयर करूँ, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोरोना की प्रॉब्लम चली हुई है। उसमें हम पूरे दिन घर में बैठे हैं, घर में बैठ के अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो इस टाइम हम लोग उनसे अपने बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम जो शेयर कर सकते हैं कि बिजनेस को कैसे हम प्रमोट करें, बिजनेस को में जो लेनदारी है देनदारी है उसको कैसे रिकवरी करनी है, कैसे देनी है। मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में कैश किंग रहेगा, जिसके पास कैश है वो सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि देश की इकोनॉमी कहाँ जाएगी, बिजनेस कहाँ जाएगा। नमस्कार, वेलकम टू बड़ा बिजनेस, प्रोफेसर सुनील कनोरिया। आई हैव एन एडवांटेज कि हमारी ऑफिस और घर एक ही कंपाउंड में है, तो मैं इस समय को और अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। हमारी जो बिजनेस है उसे बेटर तरीके से देख पा रहा हूँ कि कहाँ चैलेंजेस हैं, कहाँ इश्यूज हैं। बड़ा बिजनेस प्रोफेसर पंकज मंजाल, मेरे दो इधर व्यूज पॉइंट बन रहे हैं। एक है चाइना विल नॉट बी द सेम अगेन। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग हब वो था इतनी देर, इट वाज आर वीकनेस कि वी डिड नॉट डू इट टुगेदर, बट नाउ इज़ द राइट चांस। अगर कोई सप्लाई चेन पार्टनर, हमने सप्लाई चेन देनी है जैसे BMW की, वो हमें ड्राइंग्स देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी यहाँ पे दे कम एंड टीचर्स, तो IP, पेटेंट्स, कॉपी राइट्स, दे आर ऑल गिवन टू अस। इट इज़ देयर फ्यूचर कैश फ्लोस, वी हैव टू कीप इट विद ट्रस्ट। इंडिया को ये ट्रस्टेबल स्टेप अगर हम आगे दें तो आई एम श्योर वी कैन क्रिएट मिरेकल विद दिस। सेकेंड हीरो का भी फोकस है ऑन ई बाइक्स। जर्मनी की पॉपुलेशन ग्रोज एट 0.2% या कुछ ऐसे, पर उधर ई साइकिल की ग्रोथ हो रही है 40%। इट्स ब्रिंगिंग अबाउट अ सोशल चेंज। आई एम रवि सक्सेना, प्रमोटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वंडरशिप। द बिगेस्ट चैलेंज एट दिस टाइम इज टू कीप योर पीपल एंगेज्ड। उनको मोटिवेटेड रखना है, उनको एंगेज रखना है, और वो कैसे रहेंगे? अगर आप पूरे टाइम काम कर रहे होंगे तो एंगेज रहेंगे। क्या कर रहे हैं ऐसे में लोग? देखिए, बाहर जा नहीं सकते, कोई चीज़ जाके बेच नहीं सकते, लेकिन फोन तो बिल्कुल सही है। सो ऑल आर एम्प्लॉयज आर इन टच ओवर फोन विद देयर कस्टमर्स, उनसे बात कर रहे हैं, उनको मैसेजेस भेज रहे हैं। हमारी पूरी मार्केटिंग टीम इस टाइम बहुत बढ़िया बढ़िया सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बना रही है। डॉक्टर एस एस बंसल, मैनेजिंग डायरेक्टर मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी फरीदाबाद एंड प्रोफेसर ऑफ बड़ा बिजनेस। आपको जो स्ट्रेस है अभी, आपको एक एप्रीहेंशन है अपनी जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो हैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मान के घर में आप बैठे हैं, तो आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करके आप ये देखें कि आपके अंदर क्या
डेफिशिएंसी या कोई कमी है जिसको आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ाने में बिजनेस को रुकावट पैदा कर रही है, उस कमी को आप आज इंट्रोस्पेक्शन करके एनालाइज करके उसको ठीक करने की कोशिश करें। मैं राधे श्याम दीक्षित, चेयरमैन आनंदा डेयरी, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। मैं आज इस कोरोना के कहर से बचते हुए एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर अगर जज्बा है, जुनून है, कुछ करने की तमन्ना है, तो कुदरत भी उसे बहुत सारे रास्ते देती है। इसेंशियल कमोडिटी के अंदर होते हुए हम लोगों ने अपनी टीम को एकजुटता का पूरा एक मार्गदर्शन दिया है। टीम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके यूट्यूब पे वीडियोस को देखने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लाइव इवेंट की जानकारी बोर्डलाइन नंबर पे फ़ोन करके लेने के लिए, वीडियो को लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत सो डूड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला। सो दोस्तों, इस वीडियो से हमें ये सीख मिली कि अगर हम क्वारंटाइन लॉकडाउन के समय में हम घर में हैं तो हमें आगे आने वाले फ्यूचर में के बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए, कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करनी चाहिए कि आगे हम क्या कर सकते हैं। सो दोस्तों, ऐसे विदाउट टाइम वेस्ट मत करो, बिना फालतू का टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। जिसके पास पैसा ही है वही आगे बढ़ पाएगा, आगे सर्वाइव कर पाएगा। तो दोस्तों, यही हमने सीखा आज। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला दोस्तों, वीडियो का लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। ऑलवेज योर वेल विशेस, आई लव यू, साइनिंग ऑफ, बाय।